दोस्तों, मानव मन कामनाओं का पुतला है, यानी हर वक्त हर क्षण हमारे जीवन में कोई ना कोई हमारी इच्छा कामना बलवती होती रहती है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी मनोकामनाओं जो पूरी नहीं हो रही। इन मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए आज मैं आपको ऐसा एक अच्छा प्रयोग देने जा रही हूँ जिसे आपको करना है। आपकी कोई भी मनोकामना हो सकती है, आपके पैसे से संबंधित हो सकती है कि आपके पास पैसा नहीं है, आप पैसा अपार चाहते हैं, आपके पास लोन बहुत हो गया है, इस लोन को उतारने के लिए आपको रास्ते मिल जाएं, आपके लिए वो अर्निंग के रास्ते खुल जाएं, उसके लिए हो सकता है। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, बच्चों का पढ़ाई में मन लगे, बच्चों को पढ़ा लिखा याद हो, उसके लिए हो सकता है। आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, उसके लिए हो सकता है। आप अपना दाम्पत्य जीवन अच्छा चाहते हैं, उसके लिए हो सकता है। आप अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हैं, उसके लिए हो सकता है। आप अपना तरक्की चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, उसके लिए हो सकता है। आप व्यापार करना चाहते हैं, उसके लिए हो सकता है। पति पत्नी का रिश्ता खराब हो रहा है, या प्रेमी या पार्टनर आपके रूठे हुए हैं, उनको मनाना चाहते हैं, उसके लिए हो सकता है। आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं और आपके माता पिता नहीं मान रहे हैं, उसके लिए हो सकता है। संतान नहीं है, संतान उत्पत्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके भी जीवन में एक संतान आए, तो उसके लिए भी आप ये कामना कर सकते हैं। कहने का मतलब है, कोई भी ऐसी इच्छा मनोकामना जो आप चाहते हैं कि आपकी पूर्ण हो जाए, उसे पूर्ण करने के लिए ये एक प्रयोग है। इसमें अच्छा पूजा पाठ का भी कोई विधान नहीं है, इसमें किसी भी तरह की शुद्धि अशुद्धि का ध्यान नहीं रखना है। महिलाएं पीरियड के टाइम पर भी इस प्रयोग को कर सकती हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी इसकी मत कीजिएगा, बहुत ही अचूक प्रयोग है, करेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी आशुतोष ऐश्वर्या अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन आपके लिए एक मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर आती हूँ, जो आपके दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होने की वजह से बेहद खास होते हैं। एक मिनट का प्रयोग, लेकिन पूरा दिन आप एनर्जेटिक बने रहते हैं। भाग्य आपका साथ देता है, मन आपका शांत रहता है और आपकी क्लीन रहती है, इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होती है, जिससे आपके ऊपर किया कराया किसी की नज़र टोक भी आपको जल्दी से प्रभाव में नहीं लाती है, यानी आप बचे रहते हैं। मन खुश रहता है तो हर कार्य में मन भी लगता है, इसलिए ने ना तो इसमें राशि देखने की आवश्यकता है ना लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें करके शुभता प्राप्त कर सकता है। आप स्वयं भी करें, परिवार के सभी सदस्यों को, बच्चों को, बड़ों को, सभी को कराएं और उनका लाभ उठाएं। इसीलिए मैं कहती हूँ, महिलाओं को विशेष रूप से कहती हूँ कि आप स्वयं करें, परिवार के सभी सदस्यों को कराएं, पति को कराएं, बच्चों को कराएं। बच्चे नहीं करते या पति नहीं करते तो उनकी शर्ट पे लिखना शुरू करें और इनका अमेजिंग रिजल्ट पाएंगे। घर में सुख समृद्धि और शांति बढ़ने लगेगी। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं रेगुलर आपको मेरे वीडियोज़ मिलते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। सबसे पहले बात करती हूँ दोस्तों अमृत की बूंद जादुई अक्षर की। 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार, आज का राहु काल है। 12:27 से 2:10 तक इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है। आज की अमृत की बूंद में आपको 2 पत्ते तुलसी के आपको पानी के साथ में निकलकर सेवन करना है। देखिए, आज का दिन आपकी वाणी से बोला हुआ कार्य सिद्ध होगा। दोस्तों, आज एकादशी तिथि भी है, तो आज के दिन आपको चावल का सेवन नहीं करना है। अपने घर के मंदिर में आप भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जरूर जलाइए। अगर एकादशी की आप कथा करते हैं, व्रत करते हैं, तो उसे जरूर सुन लीजिए। नहीं भी करते हैं तो आपको एकादशी की कथा जरूर सुननी चाहिए। और इस दिन आप कोई भी दान पुण्य कर सकते हैं, जो आपकी पॉकेट बोलती है, जो श्रद्धा से आप कर सकते हैं, तो आज एकादशी का आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जादुई अक्षर है दोस्तों का कमल वाला का। इस का शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिख कर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा, नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, आप इसे नाली में ना बहाएं। आज दोस्तों बात कर रही हूँ मैं मनोकामना पूर्ति के लिए, कि जब हमारी मनोकामना पूर्ति नहीं होती है दोस्तों, हम बड़े दुखी रहने लगते हैं, मन अशांत रहने लगता है, लगता है भगवान मेरी कब सुनेगा, कब मेरी ईश्वर तक मेरी पुकार पहुँचेगी, कब मेरी इच्छा पूरी होगी। और जैसे मेरी एक इच्छा पूरी होती है, मैं अगेन
फिर मेरे मन में एक और इच्छा बलवती हो जाती है। वो आपकी छोटी भी इच्छा हो सकती है, बड़ी भी। खुद का घर चाहते हैं, एक गाड़ी चाहते हैं, एक अच्छी लेविश लाइफ चाहते हैं, सुंदर पत्नी चाहते हैं, बच्चों का भविष्य चाहते हैं। कहने का मतलब है आपकी कोई भी इच्छा हो सकती है। इसके लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसमें आपको ना तो आसन की ज़रूरत है और ना इसके लिए कि पर्टिकुलर यहाँ बैठना है या नहाना है या अशुद्धि, कोई नहीं। बस ध्यान रखना है तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करना है। यानी आपको पूरा इस पर ट्रस्ट रखना है कि ये मेरा काम होगा ही होगा इस काम से। इसके लिए मैं आपको एक मंत्र देने जा रही हूँ। इस मंत्र का आपको जाप करना है, एक माला डेली यानी 108 बार। आप कहीं भी बैठकर कर सकते हैं, रात्रि में सोते समय कर सकते हैं, आप सुबह के समय कर सकते हैं, नहा धोकर स्नान करके भी कहीं शुद्ध बैठकर भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं कि घर के मंदिर में हो, घर के मंदिर में करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यानी एक समय डिसाइड कर लीजिएगा कि इस समय इस मंत्र का आप जाप करेंगे। जैसे मैंने बताया महिलाओं को इसमें पीरियड का भी कोई बंधन नहीं है। तो इसको कैसे करना है कि आपको कहीं भी उत्तर की तरफ आपका चेहरा होना चाहिए। उत्तर की तरफ आप चेहरा कर लीजिए। पहले आप अपना नाम बोलेंगे, अपने पिता का नाम, गोत्र और फिर अपनी कामना बोलेंगे। आप किस कामना की पूर्ति के लिए इस मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं। फिर इस मंत्र की आपको एक माला नियमित जाप करनी है। टाइम का विशेष ध्यान रखिएगा कि जिस दिन जिस समय से आप शुरू करें उसी समय। बस इसका ध्यान रखिएगा कि इसको बुधवार से शुरू कर लीजिएगा, किसी भी बुधवार से करिएगा, पर राहु काल में मत करिएगा। अगर आप सुबह के दिन के समय कर रहे हैं तो राहु काल मेरे हर वीडियो में आता है, राहु काल में इस प्रयोग को शुरू नहीं करना है। बाकी आप किसी भी समय इसको प्रयोग को कर सकते हैं, आपके पास जब टाइम हो। ये भी नहीं है कि सुबह ही करना है शाम को करना है, आप रात में फ्री हैं रात में कर लीजिए, पर करिए पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में। मंत्र है ओम ओम ह्रीम बागवादिनी बुद्धिवर्धनी सरस्वती मम कार्य सिद्धि करि करि फट स्वाहा। ये मंत्र इस तरह से है। इस मंत्र को आपको इसी तरह से जाप करना है, एक माला डेली जाप करना है। कब तक करना है? जब तक कि आपकी इच्छा कामना पूरी ना हो जाए। एक कामना पूरी हो जाए उसके बाद कुछ दिन का गैप करके आप दूसरी कामना की पूर्ति के लिए इसको शुरू कर सकते हैं और इसका अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेगा। क्योंकि बुद्धि प्रदायिनी जो माता सरस्वती हैं, जो आपकी बुद्धि आपकी जीवा पर बैठी रहती हैं, आप जब इनसे अपनी प्रार्थना बोलते हैं तब ये आपके कार्य को सिद्ध करना शुरू करती हैं और आपका कार्य चुटकियों में सिद्ध हो जाता है। अगर आप पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में करते हैं तो ये आपकी जो मनोकामना है शीघ्र पूरी हो जाती है। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी महीने की 17 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो ये प्रे करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर ग्रीन कलर से 5 यानी 5 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्षभर सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी राधे राधे हर हर महादेव लिखिएगा ज़रूर, शेयर भी कीजिएगा। जिन्हें अपना नियरेस्ट और डियरेस्ट मानते हैं, जो आपके दिल के करीब हैं, उन्हें शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और इसके साथ ही दोस्तों, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक और कमेंट से, तो ज़रूर करिएगा। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्र न्यूमरोलॉजिस्ट लाल किताबी टर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है। किसी भी तरह की पूजन सामग्री जो अक्सर कर हम अपने वीडियोस में बताते हैं चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।